दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पेरेंटिंग इंडिया में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी सभी प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। और मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा, अपनी प्रेगनेंसी में भी और अपने पेरेंटिंग में भी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे मुंह में उंगली क्यों देते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। जनरली बच्चे 3 मंथ से मुंह में उंगली देना शुरू कर देते हैं और उसका रीज़न है कि 3 मंथ की एज से बच्चों के दांत निकलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। दांत उनके 7 से लेके 8 मंथ तक निकलने लगते हैं या 7 से 9 मंथ तक नीचे के एक दांत या दो दांत निकलते हैं, लेकिन उसमें इरिटेशन, हल्की खुजली 3rd मंथ से ही शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों में ये थोड़ा लेट हो सकती है, कुछ बच्चों में 10 दिन पहले भी हो सकती है। जनरली 3rd मंथ की स्टार्टिंग से बच्चों को खुजली होना शुरू होती है। सवाल उठता है कि बच्चों के दांतों में खुजली हो रही है तो क्या करना चाहिए। अगर आपका बच्चा 4 साढ़े 4 महीने से बड़ा है तो आप उसके लिए अच्छी क्वालिटी का टीथर ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें टीथर अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि बच्चा मुंह में देता है और उसमें कई तरह के केमिकल हो सकते हैं। BPA, जैसे अगर आपने नॉर्मल प्लास्टिक का ले लिया तो वो BPA फ्री नहीं होगा, या उसे अच्छे से ध्यान रख के अच्छी क्वालिटी का ही टीथर लेना चाहिए आपको। तो अगर आपका बच्चा 4 साढ़े 4 महीने से छोटा है, मतलब अगर वो तीथर नहीं उठा पाता, इससे छोटा बच्चा तीथर हैंडल नहीं कर पाता है, वो अपने हाथ से तीथर को उठा नहीं पाता, तो क्या करना चाहिए। तो आप अपने हाथ को अच्छे से साफ़ करके डेटॉल में उसे साफ़ करिए। उसके बाद अपने हाथ की उंगली से बच्चे के मुंह के अंदर दांतों की जगह पर हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं आप, जिससे बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो पाएगा। अगर बच्चा मुंह में उंगली भी दे रहा है तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसका हाथ साफ़ होना चाहिए। अगर वो मुंह में उंगली दे रहा है तो उसे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, बस ध्यान रखिए घर के आसपास जहाँ पे बच्चा बैठता है उस जगह के आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बच्चा उठा के मुंह में दे दे एकदम से, वो गंदी होती है जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। बच्चे के हाथ को रेगुलरली साफ़ करिए आप, दिन में 2-3 बार बच्चे के हाथ को अच्छे से साफ़ करिए। आप गीले कपड़े लेके उसके हाथ को अच्छे से साफ़ करिए, जिससे उसके हाथ का इन्फेक्शन मुंह में नहीं जाएगा। तो वो अगर मुंह में उंगली दे भी रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और बच्चे को ऐसा करने दीजिए। आप हर टाइम बच्चे के मुंह से उंगली निकालते रहेंगे तो जिससे बच्चे को अंदर ही अंदर बहुत इरिटेशन होगी, क्योंकि उसके दांतों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। आप खुद सोच के देखिए, आपका दांत, हम इतने बड़े होने के बाद भी दांत निकलना या टूटना कितना पेनफुल होता है, यही बच्चे के साथ भी होता है। तो अगर आप चाहें तो होम्योपैथी की दवा आती है कैल्केरिया फास, तो वो दे सकते हैं, लेकिन उससे भी बच्चा मुंह में उंगली देना बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसके दांतों में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है तो दवा कुछ हद तक उसे कम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा मुंह में उंगली देना छोड़ दे। इसलिए बस आपके पास एक ही तरीका है, अच्छे से टीथर को उसे यूज़ करना सिखाइए जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, और उसके हाथ को साफ़ रखिए और उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ मत रखिए जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे वो मुंह में दे और उसे इन्फेक्शन होए। तो ये हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कितनी हेल्पफुल है, हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। पेरेंटिंग की सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।